हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडलेज में। और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द फेमस एग्जाम्स जो कि हर एक साइंस स्टूडेंट का ड्रीम होता है उसको क्रैक करने का। ये है KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं KVPY में कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, KVPY में एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे होंगे, या फिर KVPY जो कंडक्ट कराया जाता है वो कौन कंडक्ट कराता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस, इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको दिमाग में साइंस का कीड़ा है और अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आप कुछ रिसर्च वाला काम करें अपनी लाइफ में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों KVPY का मतलब होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। दोस्तों ये एक भारत सरकार की योजना के तहत काम करता है। इसके तहत जो होता है, जो किशोर लोग होते हैं, किशोर यानी जो बच्चों जिन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है रिसर्च में या रिसर्च करने में, साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उन सारी चीज़ों को स्कॉलरशिप दी जाती है और साथ साथ उन लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है इंडिया के बेस्ट साइंस कॉलेजेस जैसे कि IISc एंड IISc में। यहाँ पे वो लोग पढ़ाई करते हैं एंड रिसर्च का काम करते हैं और उन्हें बाद में प्लेसमेंट दी जाती है DRDO एंड ISRO ETC में जाने के लिए लोग KVPY का एग्ज़ाम देते हैं। दोस्तों KVPY का एग्ज़ाम जो है वो IISc बेंगलोर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों IISc बेंगलोर जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ही अच्छे कॉलेज के रूप में जाना जाता है फॉर रिसर्च पर्पज़। जैसे दोस्तों IIT जो है वो इंजीनियरिंग करने के लिए फेमस है, वैसे ही IISc जो है वो अपने रिसर्च कोर्सेज के लिए फेमस है। यहाँ पर अधिकतर जो लोग होते हैं वो रिसर्च का काम करते हैं। दोस्तों KVPY का एग्ज़ाम किसे देना चाहिए? दोस्तों KVPY का एग्ज़ाम उसे देना चाहिए जिससे ज़्यादा इंटरेस्ट हो साइंस में रिसर्च करने में, जिसके दिमाग में सारे सवाल आते हो, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें साइंस के जिसमें सवाल आते हैं, वो लोग जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं या फिर कह सकते हो आइंस्टीन बनना चाहते हैं, उन लोगों को KVPY का एग्ज़ाम देना चाहिए। दोस्तों KVPY का एग्ज़ाम जो है वो तीन कह सकते हो क्राइटेरियाज में बटा हुआ है। पहला SA, दूसरा SX एंड तीसरा SB। अब हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों माफ़ करना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया। दोस्तों KVPY का एग्ज़ाम सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिन्हें आगे जाकर BSc, MSc या फिर कह सकते हो रिसर्च में कुछ कोर्सेज करने होंगे जैसे B.Statics, ETC। दोस्तों ये एग्ज़ाम वो लोग नहीं दे सकते जिन्हें IITs में, मतलब कह सकते हो जिन्हें इंजीनियरिंग करनी हो, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको KVPY का कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। KVPY का काम बस ये है कि उन लोगों को स्कॉलरशिप देना जो कि रिसर्च करना चाहते हैं, ना कि इंजीनियरिंग। इसलिए अगर आप KVPY देना चाहते हो तो पहले ये समझ लो कि KVPY देने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ जैसे सकते हो रिसर्च के पर्पस के लिए जैसे BSc, MSc एंड B.Stat ही कर सकते हो, आप B.Tech नहीं कर सकते। दोस्तों पहला क्राइटेरिया है SA। इसमें वो बच्चे आते हैं जिन्होंने 10 पास करके इस साल 11th में गए हो, वो सारे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों 11th में ये एग्ज़ाम लिया जाता है, इसके कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर आपके आपको अगर क्लास 11th में है और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके कम से कम जो 10th बोर्ड्स है उसमें 75% मार्क्स आने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप SC, ST या PWD यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपको 65% मार्क्स जरूरी है आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों इसमें इसका जो सिलेबस होता है वो आपके 10th के सिलेबस और 10th, 11th और कुछ थोड़ा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो लेवल है वो जो एडवांस के बराबर है, तो आप कह सकते हो इसके लिए जो मैथ्स मैथमेटिक्स स्किल चाहिए वो बेसिक तो 10th है, लेकिन उसके लिए थोड़ा एडवांस स्किल भी चाहिए जिसके लिए आपको KVPY का पूरा सिलेबस अच्छे से देखना होगा। दोस्तों अगली कैटेगरी है SX। SX में वो बच्चे आते हैं जो इस बार इस साल 12th में हो और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो अगले साल। दोस्तों ये जो बच्चे हैं वो चाहें तो KVPY का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें KVPY का उसके सिलेबस में क्लास 11th एंड 12th आएंगे एंड सब कुछ हाई लेवल के कॉन्सेप्ट आएंगे। इसके लिए वही क्राइटेरिया है, आपके 10th में होने चाहिए 75% मार्क्स एंड अगर आप SC ST तो 65% मार्क्स चलेंगे। और दोस्तों इसमें ये भी क्राइटेरिया कि अगर आप 12th पास करते हो, 12th पास करने में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए एंड आपके जो SC ST है उनके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों तीसरी कैटेगरी है SB कैटेगरी। SB कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया हो। दोस्तों ये लोग भी चाहे तो KVPY का एग्जाम दे सकते हैं। इनके लिए जो सिलेबस होगा वो इनके 11, 12 और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर पर बेस्ड होगा। दोस्तों इसके लिए क्राइटेरिया कि आपके कम से कम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स आने चाहिए। दोस्तों फॉर SC ST आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पास होना ज़रूरी है। दोस्तों अब हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार था। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे स्टूडलेज तुमने ये तो बता दिया कि एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं, बट एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा होगा? एग्ज़ाम देने से अगर हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ तो हम एग्ज़ाम देंगे क्यों? तो पहले फ़ायदे सुन लो, तभी तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन जागेगा और तुम्हें KVPY फोड़ने का इरादा आएगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों आपको क्या है इसके फ़ायदे। दोस्तों अगर आप KVPY का एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हो तो आपको एक कार्ड मिलेगा, यूनिवर्सल गाइड टाइप का, लाइब्रेरी कार्ड टाइप का आपको कुछ मिलेगा। उस
उससे क्या होता है, आप किसी भी इंडिया की किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी स्पेस सेंटर में, किसी भी रिसर्च लेबोरेटरी में आसानी से एंट्री पा सकते हो और वहाँ पर अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो, वहाँ की चीज़ें को देख सकते हो, सीख सकते हो एंड लेबोरेटरी में अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सकते हो। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने KVPY का एग्जाम क्रैक कर लिया है तो आपको ग्रेजुएशन में आपको सैलरी दी जाएगी। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक आपको 5,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, और साथ साथ 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे हर साल आपके रिसर्च के लिए। दोस्तों ये सिलसिला जो है वो 3 साल तक चलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फिर आप जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन पर नाम लिखाओगे, जैसे फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर में आपको पर मंथ 7,000 की सैलरी मिलेगी और साथ साथ 28,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर रिसर्च एक्टिविटीज़। दोस्तों ये थे KVPY के फायदे। अब हम लोग बात करने वाले KVPY के एग्जाम कब कब होता है। दोस्तों KVPY का जो फॉर्म है वो सेप्टेम्बर में निकलता है एंड इसके जो एग्ज़ाम है वो मेनली जनवरी और फरवरी में कंडक्ट कराए जाते हैं, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों अभी KVPY में बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसके लिए तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों KVPY का तैयारी करने के लिए आपको जेई का सिलेबस है, जेई एडवांस का सिलेबस है, वही सेम टू सेम KVPY का भी सिलेबस है, जैसा कि आप उसे देख सकते हैं। आप चाहें तो उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस लेवल का एग्जाम है। तो आप इन सारी चीज़ों को देखने के लिए KVPY की जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुझसे कोई बात छूट गई हो या फिर कोई दिक्कत हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।